छुट्टी कर लेंगे आज, छुट्टी कर लेंगे आज, दोनों लोग बोल छुट्टी कर लेंगे आज। बोल देखो। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज। कल हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किया था, आज हम स्टार्ट करते हैं कॉचीज एंड थ्रू टेस्ट। कॉचीज CAUCHYS कॉचीज एंड थ्रू टेस्ट। Positive terms and limit n approaches to infinity an to the power 1 by n is L, an to the power 1 by n. If this L is less than 1, then the series converges. If this L is greater than or equal to 1, then the series an is divergence. तो ये बात कह रहा है आपका कॉचीज एनर्थ रूट टेस्ट कि अगर ये लेस देन वन है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज क्या करेगी बेटा, डाइवर्ज। चलो ये तो समझ में आ गया सर, पर कैसे पता चलेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम के अंदर हमें कॉचीज एनर्थ रूट टेस्ट लगाना है? तो हमें किस तरह की प्रॉब्लम में कॉचीज एनर्थ रूट टेस्ट लगाना है, ये नोट है। इफ अगर एनर्थ टर्म जो भी आए उसकी पावर में एन है, अगर किसी क्वेश्चन में एनथ टर्म की पावर में एन है, तो वो क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि कॉचीज एनथ रूट टेस्ट लगाओ। हाँ, एनथ टर्म की, एनथ टर्म, वी कॉल इट एज एनथ टर्म, एनथ टर्म की पावर में एन होना चाहिए, तो कॉचीज एनथ रूट टेस्ट लगाएंगे आप। तो ये तो हिंट हो गया आपका, राइट। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं उसके। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? तो लिख लिया आपने कॉची से एनर्थ रूट टेस्ट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ेंगे ना अब। तो सीन आज नहीं आओगे तुम क्लास के लिए? अच्छा, साढ़े दस बजे कैसे? लिख लिया सबने? तो देखिए कॉचीज एनर्थ रूट टेस्ट के पहले एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल वन है हमारा 2/3 + 3/5 का² + 4/7 का³। ये एग्जांपल वन है। तो पहले बताओ इसकी एनर्थ टर्म क्या हो जाएगी? कैसे पता, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कॉची से एनर्थ रूट टेस्ट लगेगा? कैसे? हाँ, पावर में एन से कॉची से एनर्थ रूट टेस्ट लगेगा। तो कॉची से एन टू द पावर 1 बाय एन क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा, राइट। तो अब इस पे लिमिट लगा दो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी एन की पावर 1 बाय एन, क्या आंसर आएगा?
अरे पता है हाफ आएगा क्या ये लेस देन वन है तो अगर सिर्फ लिमिट में लिमिट लेस देन वन होती है सीरीज एन क्या करेगी कन्वर्ज बाय एनएन थ्रू टेस्ट राइट बेटा तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी बाय कॉचेस एनएन थ्रू टेस्ट आया समझ में यस यस ये 1 बाय एन किया ना पहले इसके पार में एन था फिर आपने इसको 1 बाय एन किया तो ये कट गया नहीं है हो गया ना पहला क्वेश्चन क्यों तो यहाँ पर एन क्या है हमारा एन है एन टू द पावर 1 बाय माइनस 1 टू द पावर एन तो एन टू द पावर 1 बाय एन क्या हो जाएगा भाई सो एन टू द पावर 1 बाय माइनस 1 अब इस पे लगा दो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी क्या आंसर आ जाएगा भाई क्या 1 माइनस 1 जीरो नहीं आएगा और जीरो क्या 1 से छोटा है तो सीरीज क्या करेगी बेटा कन्वर्ज बाय कॉचीज एन थ्रू टेस्ट लिख सकते हैं ना सो दिस सीरीज कन्वर्जेस बाय कॉचीज एन थ्रू टेस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा So example 3 आपका series 1 upon log n की power n where n vary from 2 to infinity example 4 series n upon n minus 1 की power 2 example 5 1 plus root n power minus n 3 by 2 example 6 e की power minus n square हाँ जी एक ही कलर करते हैं सारे बच्चे फटाफट जल्दी से शुरू कीजिए फिर मुझसे पूछिएगा पहले सारे ट्राई कीजिए फिर मैं क्या करके सॉल्व करूंगा आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं करूंगा
कौन सा कर रहा हूँ बता देना बच्चों। फोर्थ वाले में स्क्वायर है उसको छोड़ के आगे बढ़ जा बेटा, मैं कराऊंगा वो। बाकी लोग थ्री हो गए, चार्ज कर देना। अरे सबका हो गया 36। हाँ भाई, बाकी लोग भी क्लास में आते हैं वो भी बोल सकते हैं भाई। सॉल्यूशन फोर्थ का सॉल्यूशन देखें, एन क्या है यहाँ पर, एन अपॉन एन माइनस वन का एन स्क्वायर है, तो एन की पावर वन बाय एन करेंगे बेटा इसको, एन अपॉन एन माइनस वन की पावर एन बचेगा, तो वन अपॉन वन माइनस वन बाय एन की पावर एन बचेगा, तो ये बचा आपका ए इन टू द पावर वन बाय एन। अब इस पर लगाओ लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी, इस पर भी लगाओ लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी, बताओ क्या आंसर आएगा। अरे वन अपॉन ई की पावर माइनस वन ई आएगा, विच इज therefore series is an diverges by Cauchy's nth root test। नहीं समझ में आया ना, तुम sequences भी कर चुके हो फिर भी तुम्हें ये बात नहीं पता बेटा, तुम मेरे गलती नहीं है तुम्हारी गलती है, कैसे रही ये बात, क्या ऐसा कुछ बताया हुआ है पहले कभी भी।
फिफ्थ डाइवर्ज कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, चेक करते हैं अभी। हो गया फोर्थ फिफ्थ करा हूं अब। फिफ्थ में एन टू द पावर 3/2 है, टू द पावर 1/9 करेंगे इसका। सॉल्यूशन फिफ्थ का सॉल्यूशन बेटा एन क्या है यहां पर 1+1/√n, रूट एन की पावर क्या है, एन की पावर ये है ना, तो अब एन की पावर 1/9 करो पहले। ये तो इसको 1/1 कर दो, ये आएगा बोलो बेटा। अब इस पर लिमिट एंड टेंशन लिमिट लगा दो, क्या आंसर आया बताओ। तो लेस देन 1 है लिमिट, तो क्या होगा, अच्छा कन्वर्ज, लेस देन 1 में क्या करेगी बेटा, कन्वर्ज करेगी। हो गया आगे समझ में यहाँ तक का सारा। अब सोचो कि आपका टेस्ट हो रहा है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, एग्जाम्पल 7 आ गया आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल 8 आ गया, 2 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर -2/1 का इनवर्स प्लस 3 का क्यूब 2 का क्यूब -3/2 की पावर -2 ये आ गया। करो इसको, देखे कौन कर पाएगा 7-8। सियोन सेवेंथ क्यों नहीं कर रहा था, सेवेंथ में एन क्या है, टू की -1/(n-n), अच्छा अब एन टू द पावर 1/n कर पहले, मैंने कभी बताया हो अगर एक सीक्वेंस की लिमिट 0 हो और दूसरा सीक्वेंस बाउंडेड हो तो दोनों के प्रोडक्ट के लिमिट क्या होती है,
जीरो तीन याद है किसी को? तो बस इसी का हवाला देके पहले तो इस पे देखो आप, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी माइनस 1 टू द पावर n इज बाउंडेड राइट एंड लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी 1 बाय n इज जीरो राइट। तो एक सीक्वेंस बाउंडेड है, दूसरा की लिमिट जीरो है, तो दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट क्या जीरो होगा इसका? तो चलो ये मैंने बता दिया, तो अब ये मैंने पहले ही बता दिया, अब लिमिट लगाओ इस पे, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी a n टू द पावर 1 बाय n, क्या आंसर आएगा सियोन? हां समझ में आया बेटा कि नहीं? तो ये तो जीरो हो गया ना बेटा, तो आंसर आ गया हाफ, व्हिच इज लेस देन 1। तो क्या करेंगे सीरीज बेटा? यस बेटा, सीरीज कन्वर्ज करेगी बाय कॉचीज nth रूट टेस्ट। समझ में आ गया सिंह बाबू? वैसे तो तुम इसको 1 बाय इनफिनिटी करके भी जीरो लिख देते शायद, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलते। नेक्स्ट करें, एट क्वेश्चन करते हैं। एट क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था बेटा, उसकी nth टर्म ये बनेगी, बना के देख लेना अपने घर पे। माइनस और टू द पावर माइनस n, ये बनेगी nth टर्म। यही आ रही है। अब मैंने बेटा इस पे a n टू द पावर 1 बाय n करना है तेरे को, तो क्या बचेगा मेरे बच्चे? माइनस 1 बचेगा ना? ओके, अब इसको मैं दोबारा लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं? देखो प्लीज इसको, या नहीं? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बोलो बेटा। अब इस पर लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी लगाओ, तो बताओ लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी इस पर लगेगी तो क्या आएगा आंसर? इसका तो ये आएगा ना सिंह, यही गलती बार बार कितनी बार कर रहा है यार। तो आंसर ई माइनस वन आ रहा है यार। अरे बोल भाई, ई माइनस वन आ रहा है ना, तो वन अपॉन ई माइनस वन हुआ कि नहीं हुआ बताओ? पहले बताओ ई किससे बड़ा होता है? टू से। तो e माइनस 1 किससे बड़ा होगा? तो 1 अपॉन e माइनस 1 किससे छोटा होगा? तो क्या ये लिमिट 1 से छोटी है? मैंने रीजन दिया भाई, ऐसे नहीं बोला, नहीं समझे भाई? e होता है 2.732, तो e 2 से बड़ा होगा ना मेरे बेटा? तो ये एक गलती ई वाली गलती आप बार बार कर रहे हो। आगे बढ़े, तो ये हो गया कॉचीज nth रूट टेस्ट। तो क्यों ना इसका प्रूफ भी साथ साथ ही निपटा दिया जाए बच्चों। सबने उतार लिया होगा, सबने है ना बच्चों?
हाँ जी बेटा उतार लिया ना। तो हमारे थ्योरम क्या थी, व्हाट इज एन ट्रूथ, लेट सीरीज एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स टर्म्स एंड लिमिट n approaches to infinity, an to the power 1 by n is L. And if this L is less than 1, then series an converges. If this L is greater than 1, then series an diverges. If this L is equal to 1, then अरे तीन केस आए ना ये, ये आए तीन केस, यही स्टेटमेंट थी बच्चों। अब प्रूफ देखो इसका, तीन प्रूफ करने पड़ेंगे आपको तीन स्टेटमेंट्स के लिए। प्रूफ पहले बोर्ड पे देखो, केस वन में एल किससे छोटा है, कहते हैं चूज एप्सिलॉन, चूज एप्सिलॉन सच दैट कि एल प्लस वन बी, एल प्लस एप्सिलॉन बी किससे छोटा होगा, एल वन से छोटा है तो उसमें कुछ ऐड करने तो भी वो वन से छोटा ही रहेगा, ऐसा है, समझ में आ गई बात। और ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है तो उसकी लिमिट भी जीरो से बड़े बराबर होने की बात पता है ना, तो क्या मैं बात बोल सकता हूं कि एल प्लस एप्सिलॉन ऐसा होगा तो जीरो से बड़ा है ना, यहां तो बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ, क्यों, क्योंकि एल भी जीरो से बड़ा बराबर होगा तो उसमें कुछ एप्सिलॉन से ऐड करोगे तो जीरो से बड़ा आ जाएगा वो। अब सीक्वेंस an टू द पावर 1 बाय n कहां कन्वर्ज कर रहा है, l पे, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन एक्चुअल नंबर n नॉट सच दैट, क्या लिखा जाए an इज बिटवीन l प्लस एप्सिलॉन एंड l माइनस एप्सिलॉन, ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं बताइए बच्चों, क्या ये चलेगा ऐसे, कोई शक किसी को भी। अब एल प्लस एप्सिलॉन ये वाला केस ले लेते हैं क्योंकि एल प्लस एप्सिलॉन पे बात कर रहे हैं ना, तो देयरफॉर एन किससे छोटा हो गया यहां पर, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बताओ, तो सियोन एक बात बता, क्या ये एल प्लस एप्सिलॉन टू द पावर एन ज्योमेट्रिक सीरीज है, हो सकता है, कैसे, मैं कैसे हो सकता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, यस एल प्लस एप्सिलॉन टू द पावर एन इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन व्हिच इज लेस देन 1, देयरफॉर सीरीज कन्वर्जेस, तो अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी, therefore by the basic comparison test, सीरीज an also converges ना? अगर आगे वाली कन्वर्ज करेगी तो पीछे वाली भी कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी बताओ? तो we have done the case one. बना सकता है, और बनाएंगे, टेंशन मत लो। पहले केस वन पे लिख,
प्रूफ समझ में आना चाहिए बस। अगर पहला आ गया तो सारे आ जाएंगे समझ में। कहता है एल वन से छोटा है तो उसमें कुछ ऐड करें तो भी वन से छोटा ही रहेगा, तो आपकी कॉमन रेशियो जो है वन से छोटी है, आर एल प्लस एप्सिलॉन क्योंकि वन से छोटा है तो सीरीज कन्वर्ज करेंगी। तो बाय बेसिक कंपोनेंट अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी तो पीछे वाली भी क्या करेगी बेटा, कन्वर्ज। करेक्ट है मेरी बात पक्का? हो गया केस टू। केस टू में एग्जाम में कह रहा है एल वन से बड़ा है पर फाइनाइट है, लिमिट वन से बड़ी है पर फाइनाइट, बट फाइनाइट ओके। कहते हैं चूज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सच दैट कि एल माइनस एप्सिलॉन भी वन से बड़ा रहे। अगर एल वन से बड़ा है तो एल माइनस एप्सिलॉन भी किससे बड़ा रहे बेटा, वन से। फिर से डेफिनेशन आपकी, आपकी डेफिनेशन थी ए टू द पावर वन बाय एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है मान लो एल पे, तो इफ एंड ओनली इफ epsilon there exists a natural number n naught such that, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ epsilon a n to the power 1 by n is less than n plus epsilon and greater than what? तो इस बार कौन सा वाला हिस्सा है जो epsilon इसमें से? ये वाला ना? So therefore l minus epsilon to the power n is less than n है कि नहीं बताइए? And series L minus epsilon to the power n is a geometric series. Is a geometric series. जिसमें कि common ratio क्या है? L minus epsilon. और वो किससे बड़ी है? 4. Therefore series diverges less or not बेटा? Yes. तो अगर पीछे वाली by basic comparison test, अगर पीछे वाली diverge करेगी तो आगे वाली भी? Basic comparison series n भी क्या करेगी मेरे बेटा? डाइवर्ज। क्या केस टू समझ में आया?
चले आगे केस थ्री इसका एक्सटेंशन है टू का, कहता है केस थ्री है कि एल वन से बड़ा है बट इनफाइनाइट है, बट क्या है जो एन टू द पावर वन बाय एन है वो बाउंड बाय के नहीं होगा बेटा, है ना? तो ए एन टू द पावर वन बाय एन किससे बड़ा होगा, इसका मतलब के से, है ना? अच्छा यहाँ चूज करना पड़ेगा आपको के को भी वन से बड़ा, ओके। तो अब के टू द पावर एन इज लेस देन एन कर लिया, तो पीछे वाले सीरीज का ज्योमेट्रिक सीरीज है इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें कि कॉमन रेशियो क्या है के और ए से बड़ा लिया मैंने, देयरफॉर सीरीज डाइवर्जेस, है ना? तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अगर पीछे वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो आगे वाली भी क्या करेगी, तो एल से वन, एल अगर वन से बड़ा है पहले फाइनाइट दिया था, अब एल वन से बड़ा है एल क्या लिया इनफाइनाइट, तो मतलब डाइवर्ज कर रहा है ना सीक्वेंस इनफिनिटी पे, तो डाइवर्ज कब करेगा जब बाउंड अप नहीं होगा। अरे गलत समझ आ रही है, हो गया एक और केस है अभी एल इज इक्वल टू वन वाला, केस फोर एल इज इक्वल टू वन। यहां पर क्या करना होगा हमें बच्चों, हमें एग्जांपल लेना होगा कि एक एग्जांपल में जब लिमिट वन आती है तो जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, तो प्लीज स्टेटमेंट को वहां पर करेक्ट कर लेते हैं, पीछे मैं और मैं नॉट कर लेते हैं, पीछे मैंने गलती बता दिया क्योंकि जोश में चले गए वहां पर, क्योंकि वन का केस तो आया ही नहीं ऐसे, तो यहां करेक्ट कर लीजिए प्लीज अपनी स्टेटमेंट को, देन सीरीज एन मैं और मैं नॉट कन्वर्ज, मैं और वो एग्जांपल पर डिपेंड करता है, अरे कर लिया प्लीज ये करेक्ट कर लीजिए, सब बच्चे एल इज इक्वल टू 1 पे सीरीज मैं और मैं नॉट कन्वर्ज करेगी। पीछे भी कर देता हूँ मैं, ओह ये जल्दबाजी में दिमाग में रहता है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज दिमाग में रहती है। मैं ना ऐसे याद करने का तरीका क्या होता है कि जिनका लेस देन है वो कन्वर्ज करेंगे, तो इसको अलग करना पड़ेगा, यहाँ पर ये ठीक है सीरीज एंड डाइवर्जेंस, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ n is equal to 1 then series n may or may not converge, okay, तो converge कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है वो depend करता है example to example, case 3 l is equal to 1, तो पहला example मैंने series ले ली 1 upon n square, बताओ सीरीज क्या करती है बाय टी सीरीज ना, अब एन क्या है अपन हमारा, तो एन टू द पावर वन बाय एन क्या होगा, ऐसे भी तो कर सकता हूँ यार मैं, बोलो ना बच्चों, तो लिमिट एंड टेंशन पे लगाओ क्या आंसर आएगा,
अरे वन आएगा ना, तो वन का स्क्वायर इज वन ना। देखो लिमिट वन आई है, लेकिन ये सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूँ बच्चों, एग्जांपल टू, सीरीज वन बाय एन क्या करेंगे बताओ, डाइवर्जेंस बाय पी सीरीज राइट ना, तो ए एन वन बाय एन है, तो ए एन टू द पावर वन बाय एन की पावर एन होगा ना बेटा, आपको एग्जाम्पल देने होते हैं, डाइवर्ज। हाँ जी, प्रूफ थोड़ा बड़ा है ना, हाँ जी क्या बताओ भाई, तुम्हारे सर क्या कहना चाहते हैं, पांच नंबर का थ्योरम ही अपने आप में वो नहीं है, मैंने पूरा सब पूरा कर लिया क्लास का, तभी वो बोल रहे थे क्वेश्चन आएगा अगर टू आएगा, ये स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव आता है तो क्वेश्चन नहीं आता, स्टेट आता है यूज इट टू शो दिस तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पर इजी है ना इसका, जो मैंने क्वेश्चन दिया उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो पता नहीं तुम्हारे सर ने कौन सा क्वेश्चन लगाया, मुझे नहीं पता, कराया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ से मैं लाया, मैं कलकत्ता से लेके आया हूँ, मैंने आठ कराया है कोचीज के, अगर कोचीज का क्वेश्चन आएगा तो आठ में से आएगा तो लेके ले जा, मैंने वो क्वेश्चन दिए हैं जो 10 ईयर में आते हैं सारे, मैं 10 ईयर के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए बेटा, और जो बुक में कोचिंग एग्जांपल है वो भी कवर कर लिए, तो भाई देखो मैं ये जो मैं तजुर्बा है 2 साल से ऐसे पेपर हुए नहीं कह नहीं सकते, पर 99% गारंटी रहती है कि जो मैंने नोट्स करा लिए उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा मेरा तो रिकॉर्ड रहा है 15-18 साल का, अब खराब भी हो सकता है रिकॉर्ड 2 साल के बाद से टीचर ज्यादा अग्रेसिव हो गए हो, तो अभी थोड़ा ट्रेंड पता नहीं है मुझे क्या चल रहा है उनके मन में, तो मुझे उम्मीद है भाई यहाँ तक समझ में आ गई होगी पूरी थ्योरम राइट, तो ज्यादा से ज्यादा श्योर अगर आपको कुछ मिस कर रहा है ना इसमें से, तो ये इन्फिनिटी वाला केस मिस कर सकता है, मैं क्लियर हो यहाँ तक की बात भाइयों, चलो कुछ करते हैं अब रेशियो टेस्ट, लेट सीरीज एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, an plus 1 upon an is L, and if this L is greater than 1,
if this L is greater than 1, तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, लेस देन 1 तो कन्वर्ज करेगी. तो कन्वर्जेस, ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेस. लिमिट इज इक्वल टू 1 मींस टेस्ट फेज. टेस्ट फेज का मतलब होता है इट मे कन्वर्ज मे नॉट कन्वर्ज. ये कन्वर्ज कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है. टेस्ट फेज का ये मतलब होता है. करेक्ट है यहाँ तक की बात बच्चों सबको? अब आपको ये कैसे पता चले कि सर इस प्रॉब्लम में रेशियो टेस्ट ही लगेगा? ये कैसे पता चले कि इस प्रॉब्लम में रेशियो टेस्ट लगेगा? नोट, इफ द nth टर्म इन्वॉल्व्स nth टर्म, क्या इन्वॉल्व करे? x to the power n, n factorial, जैसा factorial जैसा expression. अगर nth term involve करे, nth term, an, involves, इस तरह का expression, तो वो question चीक-चीक के कर रहा है कि ratio test लगाओ. X to the power n, 2 to the power n, y to the power n, b to the power n, a to the power n, n factorial, n minus 1 factorial. या factorial जैसे expression होगा, तो वहां पर ratio test लगेगा. क्या मेरी बात clear है? अब मेरी नोट भी समझ लीजिए. मान लो आपने ये पहचान के रेशियो टेस्ट लगाया, ये सारी बात जान के रेशियो टेस्ट लगाया, और आपकी लिमिट 1 आ गई, तो लिमिट 1 आ गई तो टेस्ट फेल लग गया कि नहीं लग गया? तो आप पीछे जाओगे. पीछे कहां जाओगे? कंपैरिजन टेस्ट. कौन सा कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे? लिमिट, लिमिट या बेसिक, लिमिट या. हाँ जी, समझ में आ गई मेरी बात? रेशो टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो आप पीछे की तरफ जाओगे कंपैरिजन टेस्ट पे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? तो फेल कब होगा रेशो टेस्ट वैसे बताओ. लिमिट वन आ जाए, है ना? एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, आपके पास सीरीज है n फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 2n माइनस 1. मुझे बताओ कैसे पता चला कि इसमें रेशियो टेस्ट लगेगा? और 2 की पावर n, सब कुछ अच्छे से क्या करना है? रेशियो टेस्ट लगाओ. nth टर्म क्या है? ये बेटा nth टर्म, राइट? तो n प्लस 1 टर्म क्या हो गई? ये होगा कि नहीं होगा बताओ. चलो सोच लो ध्यान से. ये आ गया एक्सप्रेशन आपका, कभी नहीं आ गया बताइए. क्या लिमिट टेंडेंस में फिल्टर लगाएं? तो ये सॉल्व होके क्या बचेगा? n प्लस 1 इनटू n फैक्टर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, राइट? अरे बोलो. तो ये 2 की पावर 2 बचेगा ना यहाँ पर. बताओ 2 की पावर 2 बचेगा नहीं? ओके, अब इस पे लिमिट टेंडेंस में फिल्टर लगाओ. क्या आंसर इन्फिनिटी आ गया? क्या ये बड़ा है 1 से?
तो अगर लिमिट वन से बड़ी है तो सीरीज क्या करेगी बेटा आपकी, डाइवर्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Therefore, series n diverges by ratio test. By ratio test. गल क्लियर है जी? Yes. तो लो फिर और क्वेश्चन करो जल्दी से ऐसे ही, फिर मैं भी कराऊंगा आपको। Example 2. Series n factorial upon n to the power n. Example 3. Series n factorial upon 3, 5, 7, 2n plus 1. Series x to the power 2n minus 1 upon 2n minus 1 factorial. पहले चार एग्जांपल पे काम करते हैं। तो पहला मैंने कराया है, दूसरा स्टार्ट करें। सॉल्यूशन सेकंड, तो nth टर्म तो पता है n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n में बेटा, राइट? तो n प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी? ये आएगी मेरे बेटा। फिर आप क्या करोगे? n प्लस 1 अपॉन, सो n प्लस 1 इनटू n फैक्टोरियल कर दोगे इसको, ये n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 रह जाएगा इनटू n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल कर दोगे, ये कट जाएगा इससे। अरे बोलो, और ये इससे कट जाएगा? नहीं कटेगा ऐसे, क्या बचेगा मेरे बेटे यहाँ पर? n अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n। अब इस पे क्या लगा दें मेरे लिमिट? अरे n टेंस में लगा दो मेरे बच्चे, क्या आंसर आ गया? तो मैं तो उठा के फेंक दूं दोनों को मैं। एक ही गलती कितनी बार करोगे ठाकुर? तो लेस देन माने तो कन्वर्ट करेगा ना? तो अरे आ गया समझ में मेरे बच्चे? फिर लिख के जाएगा इजी साइड हो गया। कौन सा करोगे इसमें से, थर्ड और फोर्थ में से? कोई तो पसंद करो यार। वो सब क्या फोर्थ पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता माजी, मैं भी बैठ जाऊँ इसी की हवा ले लूँ थोड़ी सी। बहुत इजी है, बहुत इजी, मुश्किल तो शुरू नहीं है अभी।
फोर्थ वाला तो कन्वर्ट कर रहा है मेरे बेटा, लिमिट जीरो आ रही होगी ना। और वो दूसरा वो नहीं किया जैसा लिखा हुआ वैसे लिखा है भाई, इसमें अलग क्या होगा, इसमें और सेम यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। मैच कर रहा है बच्चों, अरे किसी से नहीं हुआ तो बताओ मैं डाल देता हूँ। कौन सा कर रहा हूँ, दोनों हो गए तो कुछ घर के लिए काम दे दो थोड़ा सा। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ये हुआ क्या आपका, बहुत है दस। यस
क्वेश्चन करो बच्चों फिर रेशियो टेस्ट पे ही जा रहे हैं। होमवर्क